Hey guys, it's Shanath. It's Kritleen. Welcome back to Sidhu Vlogs. So guys, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं एक और छापा वीडियो पे जो कि apparently बॉलीवुड के सॉन्ग्स हैं जो कि कॉपीड हैं फ्रॉम पाकिस्तान एंड इट्स आर्टिस्ट. तो हमेशा की तरह हमारे पास कुछ नहीं कहने को इस बात में. आज भी हम शॉक हूँ. गाइस, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो ये हमारे दो हैंडल्स हैं, प्लीज डू फॉलो अस. आपकी जन्नत की बात कोई नहीं टालता. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अगर लेट्स गो, मेरी इजाजत है. चलें चलें, लेट्स गो. मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर YouTube चैनल. दोस्तों, भारत के लोगों को अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री पर बड़ा ही गुरूर है. वो कहते हैं कि हमारे गुलुकार और हमारे एक्टर जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं, और वो अपने गानों पर तो इस तरह घमंड करते हैं, कहते हैं कि हम जैसे गाने तो पूरी दुनिया में कोई नहीं बना सकता. लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे ही गानों के बारे में बताने जा रहा हूं जो गाने उन्होंने टोटली पाकिस्तान से सेम टू सेम कॉपी करके अपने मुल्क में खूब छापे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं कि पाकिस्तानी गानों की कोई वैल्यू नहीं. तो आज की वीडियो में खास तौर पर उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूं जो कहते हैं कि पाकिस्तानी गाने तो बिल्कुल फारिग हैं, क्योंकि आज की वीडियो आपको करने वाली है बहुत ज्यादा हैरान. तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अच्छे बुरे कमेंट्स करने से पहले इंसाफ का दामन थाम के रखिएगा. लेकिन मजीद आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा. तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ. दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जॉन इब्राहिम की फिल्म सत्ते में विजेते 2 का गाना जो आजकल बहुत मशहूर हुआ है, मेरी जिंदगी है तू. लेकिन ये गाना 90 की दिहाई में सबसे पहले उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब ने गाया था. तो अगर आपको यकीन नहीं है तो पहले सुनते हैं छापा और फिर ओरिजिनल. गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी लेकिन उसके बाद जुबिन नौटियाल ने जब इस गाने को छापा तो वो बिल्कुल ही बेकार था. आप खुद ही इंसाफ करें देख कर. नेक्स्ट है गाना बूहे बारियां, इंडिया के बहुत ही मशहूर सिंगर दर्शन रावल ने 2019 में गाया, जबकि हदीका क्यानी जो पाकिस्तानी बहुत ही मशहूर सिंगर हैं, इन्होंने 1998 में ये गाना गाया था. बूहे बारियां ते नाले कंदा टपके, तू आ जा वी हवा बनके. बूहे बारियां है बूहे बारियां. अब जिस गाने के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है इमरान हाशमी की उस फिल्म का गाना जो आप लोगों ने जरूर देखी होगी, आशिक बनाया आपने. मैं ऐसी फिल्में बिल्कुल नहीं देखता. सो मैं कौन सी फिल्मों की बात कर रहे हो मुझे भी बताओ ना जरा. तुम ये बना लो वीडियो, मैं करती हूँ तुम्हारा बंदोबस्त. तुम्हारे पेज ना टाइट होने वाले हैं जरा. बेगम, मैं ऐसी फिल्में देखता ही नहीं हूँ. ये तो किसी ने मुझे बताया था कि उस फिल्म में कुछ हुआ था. खैर, मैं आपको बता रहा था कि ये फिल्म रिलीज हुई थी 2005 में, जिसका गाना था मर जावा मर जावा. 2005 में रिलीज हुई थी, लेकिन ये गाना 2002 में पाकिस्तान के मशहूर सिंगर फाखर ने पहले से गा लिया था. और तो और आप
आपको एक और मजे की बात बताता चलूं कि 2008 में विवेक ओबराय की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था मिशन इस्तांबुल। इस फिल्म का एक गाना एक बात कहूं दिलदारा आज से 50 साल पहले पाकिस्तान के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद पर पिक्चराइज हो चुका था, लेकिन फर्क इतना है कि इंडिया वालों ने इसको जरा दुखी अंदाज में बनाया और वहीद मुराद पर जरा टिचुम 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 तरीके से पिक्चराइज हुआ था। नेक्स्ट है वो गाना जो मशहूर सिंगर यो यो हनी सिंह और नेहा कक्कड़ ने गाया, कुंडी ना खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ राजा। ये एक आइटम सॉन्ग था जो गब्बर इज बैक फिल्म में पेश किया गया, लेकिन ये गाना आज से 20-25 साल पहले पाकिस्तानी सिंगर नसीबो लाल गा चुकी थी। नेक्स्ट गाना हवा हवा जो 2017 में अर्जुन कपूर की फिल्म मुबारका में था, लेकिन ये बात सुनकर आपको काफी हैरानगी होगी कि ये पाकिस्तान के सिंगर हसन जहांगीर ने 1989 में गाया था। सन 2000 में पाकिस्तान के मशहूर सिंगर वारिस बेग ने गाना गाया था अपनी सुरीली आवाज में कल शब देखा मैंने चांद झरोके में, जो कि मोमर राना पर पिक्चराइज किया गया था। इस गाने की सेम धुन पर एक गाना सुनने को मिला इमरान हाशमी की फिल्म गैंगस्टर में जो 2006 में रिलीज की गई। ख्वाबों के कारवां में रात चलती है, कल सब देखा मैंने चांद झरोके शाहरुख खान और सुष्मिता सेन की एक फिल्म थी जो 2010 में रिलीज हुई थी दुल्हा मिल गया। इस फिल्म का एक गाना था बेवफाओं के चलते। ये गाना 2002 में पाकिस्तान के पहले रैपर और मशहूर सिंगर फखरे आलम ने गाया था। चलते ये वीडियो छोड़ के जा रहे हैं क्या हो रहा है। और तो इंडिया की फिल्म जन्नत का मशहूर गाना चार दिना दा प्यार ओ रब्बा लंबी जुदाई, ये भी पाकिस्तान की लेजेंडरी सिंगर रेशमा जी ने 40-50 साल पहले गाया। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, बेदर्दी से प्यार का सहारा न मिला, दोस्तों ये थे वो गाने जो इंडिया ने पाकिस्तान के कॉपी किए। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये बात सच है कि कोई ना कोई किसी को अपना आइडियल मानता है, किसी को किसी की आवाज। अच्छा वीडियो ऐसे खत्म हो गया। तो सो गाइस बेसिकली हम यही हमारे लिए जो रेवलेशन था कि कुछ ऐसे गाने जैसे सत्यमेव जयते 2 और कुछ लेटेस्ट गाने जैसे वो हवा हवा वाले, सो वी वर कम्प्लीटली नॉट नहीं सुने हुए थे वो। हाँ कि मतलब उसका वो भी अब्रिज्ड होंगे, वो भी ऐसे कॉपीड होंगे, हमें नहीं पता था ये। सो दैट वाज अ रेवलेशन फॉर अस। लेकिन इससे पहले हमने बहुत सारी छापा वीडियोस देखी, उन्हें बहुत शर्मिंदा है। आई थिंक लोगों को पता नहीं होता वो जो नुसरत फतेह अली खान सबने उनकी कवाली सारी नहीं सुनी, नहीं सुनी और ये दिल गलती कर बैठा है तो जो भी सकता है ना। बट आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल केम फॉरवर्ड उस गाने के लिए कि क्या किया भाई बोल हमारा क्या होगा, व्हाट ब्रो क्यों कर रहे थे। दैट सॉन्ग सच अ वाइब बिकॉज़ ऑफ द वर्ड्स बोल कफारा। Guys, this was our reaction. We really hope that you liked it. And if you did, this video ko like kar do, usme bahut sare comments kar do, hamare channel ko subscribe kar do. So guys, this is Sidhu Vlog signing off. We love you guys.